रबिसी नगर की जे सब काजा हृदयम राखी कौसलपुर राजा गेरल सुधा रिपु करहिमिताई गोपद सिंधु अनिल सितलाई। वो तो सुंदर कांडी है। It's like asking कि आपको चार बच्चे हैं, किसको आप ज्यादा प्यार करते हैं। क्या आप सनातन धर्म को पास से समझने या जानने की रुचि रखते हैं? हालांकि शुद्ध हिंदी, संस्कृत या अवधी भाषा को ना समझ पाने के कारण हिंदू महाकाव्य को नहीं पढ़ पाते, तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल अब आप श्री रामचरितमानस को अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं, और वो कैसे, चलिए हम बताते हैं। हिंदू शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में ईश्वर का नाम जपने से इस संसार रूपी बंधन से मुक्ति मिलती है। इस प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए 2003 बैच की IAS अधिकारी और वर्तमान में उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्स कमिश्नर मिनिस्ती एस ने एक सराहनीय काम किया है। दरअसल IAS मिनिस्ती एस मूल रूप से केरल की रहने वाली है। इनकी माँ श्री रामचरितमानस को पढ़ना चाहती थी, लेकिन अवधि में लिखी होने की वजह से उन्हें समझने में दिक्कत होने लगी। बस फिर क्या था, IAS मिनिस्ती ने श्री रामचरितमानस को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना शुरू किया। वो इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना चाहती हैं। श्री रामचरितमानस, जैसे आपको मालूम है, तुलसीदास जी ने हिंदी में अनुवाद की है। रामायण का अलग अलग भाषांतरण या ट्रांसलेशन है अलग अलग भाषा में। एक जो इंस्पिरेशन है, जैसे मेरे माता जी बहुत अच्छी तरह से अध्यात्म रामायण जानते हैं, बट देन वो अवधि भाषा समझने में उनको दिक्कत है। देन इट स्ट्रक मी कि यदि जब वो जब कर रहा है कि मैं इंग्लिश में करूँ, इंग्लिश ऐसा भाषा है जहाँ हर भाषा जो है, फिर यहाँ से ट्रांसलेशन समबडी कैन अंडरस्टैंड इन मराठी ऑल्सो, तमिल ऑल्सो, है ना। तो एक एक कॉमन थ्रेड है। और हमारे जो यंग जनरेशन आप सोचेंगे, जैसे मेरी बेटी है, इफ़ शी वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड, बहुत ईजी तरह से वो अवधि, जैसे वो अवधि जानती है, परंतु जिनको मालूम नहीं है, इंग्लिश इंटरप्रिटेशन आसान हो जाता। हालांकि सनातन धर्म से उनका ये लगाव यूं ही नहीं बना। मातृभाषा मलयालम है और केरल में अध्यात्म रामायण का बहुत अधिक महत्व है। बचपन से ही मिनिस्ती ने इसे पढ़ा है और श्री रामचरितमानस इनकी पढ़ाई का भी हिस्सा रही। जब उनकी माँ अवधि में रामायण को ठीक से नहीं समझ पाई, तो उन्होंने सोचा कि इसी तरह कितने लोग श्री रामचरितमानस को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अवधि ना समझ पाने के कारण ऐसा नहीं कर पाते। यहीं से IAS मिनिस्ती को प्रेरणा मिली और उन्होंने इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन शुरू किया। तो मैं केरल से हूँ, वहाँ तुंज तीर्थचिन ने अध्यात्म रामायणम के नाम है, हम लोगों ने इसी किताब को पढ़ करके ही हम बड़े हो गए। हमारे पढ़ाई का पार्ट भी था, बिकॉज ये हर लैंग्वेज में ये पोइटिक मास्टरी का भी एक एपिटॉम है। इट्स नो कविता का जो भी आप इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल पोइट्री ऑल्सो, सो इट्स अ पार्ट ऑफ लिटरेरी स्टडीज ऑल्सो। श्री रामचरितमानस में 7 सोपान यानी 7 कांड है। मिनिस्ती एस ने अभी फिलहाल 4 सोपान का इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है, जिसमें लंका कांड, सुंदर कांड, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड शामिल है। तो हमने सुंदर कांड पहले की, और सुंदर कांड के बाद लंका कांड, राम रावण युद्ध और लास्ट में उत्तर कांड, सो 7 सोपान है। बट हमने 1, 2, 3, 4 वो वाला क्रम नहीं किया, जैसे प्रेरणा मिला ऊपर से ऐसे करते रहा। मिनिस्ती एस ने बताया कि वो बजरंग बली के भक्त हैं, इसलिए उन्होंने सबसे पहले सुंदर कांड का अंग्रेजी में अनुवाद किया, 2016 में ट्रांसलेशन शुरू की और 2017 में बुक पब्लिश की। 2016 में मैंने सुंदरकांड का अनुवाद करने के लिए कोशिश की, और 50 दिन में एक किताब कंप्लीट हो गए। सो इट इज़, जैसे आपको मालूम है, मैं तो हनुमान भक्त हूँ, तो मुझको लग रहा है भगवान ही ने करवाया हमसे। 2 साल बाद इन्होंने किष्किंधा कांड और COVID-19 में अरण्य कांड ट्रांसलेट किया। हाल ही में 2 महीने पहले इन्होंने लंका कांड का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। फिलहाल ये बालकांड पर काम कर रही हैं। बता दें, बालकांड को 2 पार्ट्स में ट्रांसलेट किया जाएगा। सुंदरकांड पहले हुई 2017 में, फिर 2 साल के बाद मैंने किष्किंधा कांड का अनुवाद की, और फिर 2 साल के बाद कोविड के टाइम में अरण्य कांड कंप्लीट हुआ, एंड अभी अभी 2 महीने पहले लंका कांड, राम रावण युद्ध वाला, मतलब कंप्लीट हुआ है। अभी मैंने बाल कांड में काम करना शुरू की है, उम्मीद है कि उसको 2 पार्ट में हम करेंगे, क्योंकि बाल कांड में 250 पेज करने के बावजूद भी अभी तक भगवान का जन्म हुआ नहीं है, कहानियाँ ही चल रहा है। तो आई थॉट कि आई विल डू इट इन 2 पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2।
इंग्लिश ट्रांसलेशन बेहद शानदार है, जिसकी वजह से डिमांड इतनी है कि बाजार में इन किताबों का स्टॉक खत्म हो चुका है। अब इनकी दोबारा प्रिंटिंग के लिए मिनिस्ट्रीएस ने इनका ऑर्डर दे दिया है। लखनऊ से लोकल 18 के लिए अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।